एम भोजली वाला, उर्ली भोजली वाला, यह है स्कूल का बहुत पुअर प्रिंसिपल। इन स्कूल का एक स्टूडेंट नाम है फुका कोला, जो इसको इतना तंग करके रखा है। ये उस फुका कोला की पिताजी को आज बुलाया है, तो देखिए होता है क्या। फुका कोला, सारी स्कूल की मैडम प्रिंसिपल लेके सबको परेशान करके रखा है। ये बच्चा नहीं है, बड़े सर की बात है, बड़े सर की बात है। ये बहुत जलील करता है सर को, इज्जत भी नहीं देता किसी को, अच्छा नहीं है ये। हेलो, हाँ नहीं नहीं नहीं, एडमिशन फुल हो गया है, नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, ओ कोला का फ्रेंड पता ही नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं, कटेगा फोन कटेगा। क्या इधर बैठो। अरे इधर नहीं, ऊपर बैठिए। तो मास्टर जी इधर बैठो। हाँ हाँ इधर ही बैठिए। तो मास्टर जी मैं हूँ पप्पू कोले, ये फोका कोला का पिताजी। ठीक है मास्टर जी। बेटा क्या कंप्लेन है मास्टर जी? कैसा बेटा पैदा किया आपने? क्या बेटा मास्टर जी, अच्छा तो बेटा है मेरा, इतना भी अच्छा है, इतना भी अच्छा है मास्टर जी। ओ मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इसका साला काला चिट्टा खुल तो रात हो जाएगा। मास्टर जी क्या काला चिट्टा, तो बोलिए आप, अब एक एक करके बोलिए मास्टर जी काला चिट्टा क्या है। बोल। ये स्कूल में लास्ट आता है, इसे पूछने पर ये कहता है मास्टर जी आपके वजह से लेट हूँ। मैं स्कूल का शिक्षक कैसे मैं लेट करता हूँ तेरे को? बोलता है सर आपने साइन बोर्ड लिखा है ना स्कूल के बारे में, गो स्लो, इसलिए लेट हो जाता है। पापा जी मैं क्या करूँ, स्कूल का बाहर इतना बड़ा बड़ा लिखा है कि गो स्लो, तो मैं क्या करूँ। ये बच्चा है, इसका सुधर जाएगा सर, बच्चा है ये। बोला था मैं बच्चा हूँ। ये बच्चा नहीं है, ये आपका गलत फहमी है, ये बच्चे का बाप है। oh, shit! Oh, shit! बेटा तूने बताया ना तेरा एक बच्चा भी है। जिसने होमवर्क नहीं किया वो खड़े हो जाओ, मैडम के पास गया। कहते हैं मैडम क्या खड़ा करो, ऐसा बेटा है, जली है ऐसा बेटा, बेटा कैसे किया मैंने। क्या बताओ मास्टर जी, शादी के बाद एक दिन मूड बन गया था और ये उस दिन पेरेंट मीटिंग था, मैंने बोला घर के किसी बड़े को बुला के लेके आओ। ये कहते हैं मास्टर जी घर में तो बड़ा नहीं हो। क्या बोला बेटा तुम बड़ा कैसे? ओह शिट, घर का बड़ा तू हो गया कब से? नहीं पापा जी ये तो मैंने नहीं बोला था। ये मास्टर जी क्या कह रहे हैं? क्या बोला था इसके मुंह से सुनिए, क्या बोला था? मैंने बोला था कि आपके पापा मेरे मम्मी के साथ सोता है, इसलिए मैं तो बड़ा बड़ा हुआ ना। बड़े के साथ मजाक करते हैं, मास्टर जी के साथ मजाक करता है, कभी हो गया चुप। तो सुनिए, और मैं उस दिन मेरी बेटी को घर लेके जा रहा था, मैंने बोला बेटी बहुत खेल लिया आप घर चल, जाना नहीं चाहता था, जीत गया रहा था, घसीट के ले जा रहा था। इस कमीने ने आपके बेटे ने आके पूरा मोहल्ला को लड़के को जोड़ा कर दिया और कहता है देखो लड़की को बदतमीजी से घसीट के ले जा रही है, लोगों का क्या भाई बनाने के बहुत खुश रहा। साले पीटा ऐसा मारा ऐसा कूटा, आपको बता नहीं सकता कहाँ कहाँ मारा, ऐसा मारा दिखा भी नहीं सकता, ऐसा गंदी बेटा है। बच्चा है सर, कुछ कंफ्यूजन हो गया था इससे। हाँ पापा कंफ्यूजन हो गया था। देखिए सर कुछ कंफ्यूजन हो गया था।
कन्फ्यूजन नहीं है, ये बीच में लोगों की बीच में पीछ में पीछे मेरे पीछे बोल रहा था भैया मार भोसड़ी वाले को, भैया मार भोसड़ी वाले को, क्या मार भोसड़ी वाले को, देखा 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 अभी बोला। Oh shit! Hey, भाई उस दिन क्लास चल रहा था, पीछे से ये बैठा था, बोल रहा था भैया मार भोसड़ी वाले को, भैया मार, पूरी दीवार पे लिख दिया ये भोसड़ी वाला, मार भोसड़ी वाले को। अरे मेरा नाम है भाई मुरली भोसड़ी वाला, नाम है मेरा, माँ बाप ने दिया है मेरा मोगली मुरली भोसड़ी वाला, क्या करूँ, कुछ कर नहीं सकते इस लौंडे का। एक बात आपको बोल दे रहा हूँ, ये स्कूल छोड़ेगा नहीं तो मैं स्कूल छोड़ूंगा, मेरे बस में नहीं है स्कूल छोड़ना, मेरा बाप चपरासी है, बहुत ताने सुन सुन के मैंने कसमें एक बातें करके मैंने बहुत मेहनत करके करके प्रिंसिपल की नौकरी मिला है, मैं छोड़ नहीं सकता इसको, किसी भी स्कूल में दस्ती लगा दे, स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मेरे बेटे यहाँ नहीं पढ़ते, बाहर पढ़ाना पड़ता है, इसके वजह से आपके बेटे के वजह से कहीं छेड़ दे छूट दे कहीं लेके भाग जाए, मेरे टेंशन रहती है हमेशा, बीपी की गोली लेता हूँ। अरे मास्टर जी देखा अभी मैंने सुना बेटे फोन आ रहा है, पापा जी नहीं, हाँ तो मास्टर जी हम चलते हैं, तो बेटा चल। मास्टर जी मैं फिर कॉल आऊंगा ठीक है। एडमिशन? अबे सुन बे ससुर की लंडिया, यहाँ पे फोन मत करना, एडमिशन नहीं मिलेगा यहाँ पर, फोड़ा तेरी माँ का नाक का।